अजीज तलबा वालबात गुजा लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि मोमिन खां मोमिन नहायत बाकमाल शख्सियत के हामिल थे वो महज एक मुनफरद शायर ही नहीं बल्कि वो कई वह कईनून के माहिर भी थे बचपन की ज़रूरी तालीम के बाद उन्होंने शाह अब्दुल क़ादिर दहली से अरबी की तालीम हासिल की उनका हाफज़ा और जहन खुदादाद था और बकौल ज़िया अहमद बदायूनी वो अक्सर शाह अब्दुल अजीज़ रहमत लाई की मजसे आवाज में हाजिर होते और तमाम मतालब नुकात अजबर सुना देते फैम जहानत में वो मौलवी मोहम्मद इसमाइल दहलवी और अपने खुसर ख्वाजा मोहम्मद नसीर नबी मीर दर्द के सिवा किसी हम को अपना मदमक़ाबिल न मानते थे वो इल्म नजूम और रमल में महारर रखते थे और शतरंज नहायत इमाक के साथ खेलते थे फन मौसीकी और अमलियात के फन में भी उन्हें दखल था जिसके इशारे उनके कलाम में जा बजा मिलते हैं मोमिन खां एक हकीम भी थे मगर उन्होंने दीगर ऊँव फनून की तरह इस इल्म को भी कस्बे मुआश का जरिया नहीं बनाया तबीयत में इस क़दर खुददारी थी कि हमदनात व मनकबत के सिवा कभी उन्होंने कसीदा नहीं लिखा नहीं दरबारदारी की और न ही किसी की मुलाजमत कबूल की मोमिन खां की एक ख़ास मजहबी माहौल में तरबियत हुई थी उनके वालिद शाह अब्दुल अजीज़ दहलवी से अकीदत रखते थे मोमिन खां जब पैदा हुए तो उनके वालिद शाह साहब को अपने घर लाए और उन्होंने ही उनके कान में अजान दी और उनका नाम तजवीज़ किया शाहब के इलमी और मजहबी ख़ानदान से उनके ताल्लुक हमेशा रहे चूँकि मौलवी इस्माइल उनके हम सबक थे इसलिए मोमिन खान का उनका हम ख्याल होना कोई ताज्जुब की बात नहीं उनके अशार में जगह जगह मुकल्दीन और शिया पर चोट भी की गई है मोमिन ख़ान ने सैयद अहमद राय बरेलवी से बैतज भी की थी और एक मसनवी जहादिया भी तहरीर की जिससे उनके अकायद के बारे में पता चलता है गरज़ की एलमी और मजहबी पस था जिससे मोमिन खां मोमिन की एक शायराना शख्सियत की तामीर हुई और जिसका उनकी शायरी में बहुत ख़ूबी मजाहरा हुआ है उनके तमाम ओम फ़नून और उनकी मजहबियत का रंग उनकी शायरी में नुमाया है मोमिन खां के कमाल की मराज उनकी गज़लें हैं इसके अलावा उन्होंने हमदनाथ मनकबत रबाई कते, तरजीह बंद तरकीब बंद और मसनवियाँ भी लिखी हैं लेकिन गजल के मैदान में वो मुश्तद फ़न और साहिब तर्ज शायर माने जाते हैं उनकी गजलिया शायरी की ये एक सिफात हैं नंबर एक मोमिन खां की गजलिया शायरी की एक सिफत तगजुल है वो तगजुल के अतबार से उरूज तक पहुँच गए हैं उनकी शायरी का बेशतर हिस्सा जज्बात इश्क़ मोहब्बत की वारदात पर मबनी है उनका इश्क दिल्ली के दीगर गज़ल ग शायरों के बरखिलाफ़ मजाजी इश्क़ है बेशतर मकाम पर उनका रूए सुखन एक पर्दा नशीन ख़ातून की तरफ होता है और लफ्ज़ पर्दा नशीन की तकरार उनकी शायरी में बार बार हुई है मसलन इश्क पर्दा नशी में मरते हैं ज़िंदगी पर्दा दर न हो जाए मोमिन खा की शायरी की दूसरी सफत उनकी नाजुक ख़्याली और मजमून आफ़रीनी है इस मैदान में वो गालिब के हम पल्ला हैं मजमून आफ़रीनी फ़ारसी शायरों का तरीक़ा रहा है इसमें इसत्यारा दर इसरा या तशबीर दर तशबीर बड़े से बड़े ख्याल को एक मुख्तर सी इबारत में पेश कर दिया जाता है मसलन क्र ख़ाक है गर्दिश में तपिश से मेरी मैं व मजनू हूँ कि जिंदा में भी आज़ाद रहा और पामाल एक नज़र में करारो सबात है उसका न देखना निगाह इल्तफात है मोमिन खां की शायरी की तीसरी खूबी उनके उसलूब की नुदरत और तर्ज़ अदा की शोखी है मोमिन का पूरा कलाम हसन ख्याल और हसन अल्फाज का नमूना मालूम होता है मसलन दुश्नाम यार तब हजी पर गरा नहीं ए हम नफस नज़ाकत आवाज़ देखना मोमिन की शायरी की एक खूबी मकर शायराना है जिसका ज़िक्र गुजा लेक्चर में भी किया जा चुका है मोमिन की शायरी की ये सिफत उनका उसलूब ख़ास है जिसके वो मौजद भी हैं मसलन, ख़्वाहिश मर्ग हो इतना न सताना वरना दिल में फिर तेरे सवा और भी अरमा होगा मोमिन खां की शायरी की पाँचवीं खूबी मामला बंदी है ये मोमिन खां का तर्ज ख़ास है इसमें शायर इश्क़ मजाजी की हकीकी वारदात को पे बयान करता है मोमिन खां रंगीन तबीयत के मालिक थे सो यह मुमकिन न था कि वो इस तरफ मायल न होते मगर ममिन खां ने तहजीब के दायरे में रहकर इन जज्बातों वारदात को पेश किया है मसलन हर चंद अजतराब में मैंने कमी न की तो भी नवा तगाफले बसीार कम हुआ इसके अलावा ममिन खां का कलाम तंज़ किनाए से भी आरास्ता है ममिन खां एक आलिम और मजहबी इंसान थे इसलिए उनके कलाम में इल्मी और मजहबी अभी भी बकसरत पाई जाती हैं इसके बावजूद उनकी गज़ल में तगजुल की शान बाकी रहती है और इसमें कैफ लताफत की कमी महसूस नहीं होती मोमिन खां की शायरी की इन ख़ूबियों को जहन में रखते हुए अब हम उनकी एक गज़ल की तशी करेंगे लेकिन इससे पहले इस गज़ल की बुलंद खानी करेंगे ताकि उस गज़ल की कैफियत का हमें एहसास हो सके गजल है ठानी थी दिल में अब ना मिलेंगे किसी से हम पर क्या करें कि हो गए नाचार जी से हम हंसते जो देखते हैं किसी को किसी से हम मुंह देख देख रोते हैं किस बेकसी से हम हमसे न बोलो हमसे न बोलो तुम इसे क्या कहते हैं भला इंसाफ कीजिए पूछते हैं आप ही से हम बेजार जान से जन होते तो मांगते शाहिर शिकायतों पे तेरी मुद्दई से हम उसकू में जा मरेंगे मदद अजूम शौक़ आज और ज़ोर करते हैं नाताकती से हम साहब ने इस ग़ुलाम को आज़ाद कर दिया लो बंदगी के छूट गए बंदगी से हम इन नातवानियों पे भी थे ख़ारे राह गैर क्यों कर निकाले जाते न उसकी गली से हम क्या गुल खिलेगा देखिए है फसलें गुल तो दूर और सूए दश्त भागते हैं कुछ अभी से हम मुंह देखने से पहले भी किस दिन वो साफ़ थे बेवजह क्यों गुबार रखें आरसी से हम और क्या दिल को ले गया कोई बेगाना आशना क्या दिल को ले गया कोई बेगाना आशना क्यों अपने जी को लगते हैं कुछ अजनबी से हम और ले नाम आरजू का तो दिल को निकाल लें मोमिन न हो जो रब्त रखें बिदती से हम अब हम इस गज़ल की तशरीह करते हैं गज़ल का पहला यानी मक्ता यह है ठानी थी दिल में अब न मिलेंगे किसी से हम पर क्या करें कि हो गए नाचार जी से हम शायर या आशिक कहता है कि हमने अपने दिल में ठान लिया था कि अब किसी से नहीं मिलेंगे मगर क्या किया जाए कि अपने दिल से मजबूर हो गए और फिर उनसे राह रस्म कर ली जिनसे हमने न मिलने का अहद किया था मोमिन खां मोमिन के इस मतले के मुतल एक वाकया बयान किया जाता है कि उनके एक दोस्त मौलाना फजल अराबा जो अपने ज़माने के जैद आलिम और शायर भी थे वो हनफील मसलक थे हम पढ़ चुके हैं कि मोमिन खां मुक़लिदीन और शिया मसलक पर अपनी शायरी में तंज तान करते रहे हैं एक मरतबा मोमिन ख़ा और मौलाना फजल अ ख़ैराबादी में किसी मजहबी मसले पर बहस हो गई और ये बहस इस क़दर बढ़ गई कि दोनों के दरमियान ताल्लुक़ तक खराब हो गए मगर चूँकि दोनों में मोहब्बत और लगाव हद दर्जा था इसलिए बाद में ताल्लक़ भी उसवार हो गए मोमिन खां का मतला इसी वाक़े की तरफ इशारा करता है वो कहते हैं कि हमने अपने दिल में ये तहया कर लिया था कि अब ऐसे किसी शख्स से नहीं मिलेंगे जिसके अकायद दुरुस्त ना हों कि शायर शेर के पहले मिसरे में किसी से न मिलने का अहद करता है लेकिन चूंकि दोनों में बेानतहा मोहब्बत है जिसने जोर मारा लिहाजा शायर दूसरे मिसरे में ताल्लुकात उसवार करने का सबब अपने दिल यानी मोहब्बत को करार देता है और कहता है कि हमने तो ये कर लिया था कि ऐसे किसी शख्स से नहीं मिलेंगे मगर क्या किया जाए हम अपने दिल के हाथों मजबूर हो गए और जो न मिलने का अहद किया था वो टूट गया और दोबारा रसम मुराह अख्तियार कर ली इस शेर के पहले मिसरे में किसी से मुराद किसी शख्स से है लेकिन इशारा मौलाना फ़जल ख़ैर आबादी की तरफ़ है दूसरा शेर हंसते जो देखते हैं किसी को किसी से हम मुंह देख देख रोते हैं किस बेकसी से हम शायर या आशफ़ कहता है कि जब हम किसी शख्स को अपने महबूब के साथ हंसते बोलते देखते हैं तो हमें अपनी तनहाई व बेबसी पर रोना आता है और हमें भी अपने महबूब की याद आ जाती है मोमिन ख़ान का ये शेर भी मतले के तसलसल में ही में ही है मतले में शायर ने अपने ताल्लुकात के उसवार होने का जिक्र किया है लेकिन इस शेर में ताल्लुक के मुनकता हो जाने के बाद पैदा होने वाली तन्हाई बेकसी वेयारो बे मददगारी का ज़िक्र है इस शेर को अगर मौलाना फजल हक़ खैर आबादी और मोमिन ख़ान के दरमियान पेश आने वाले वाक़े को पस मंज़र में रख कर न भी देखा जाए तो भी ये शेर अपनी जगह पर बामाना नज़र आता है लेकिन इस वाक़े से शेर में माना की मजीद गिरा खुलती है शायर या आशिक के अपने महबूब से ताल्लुक़ ठीक नहीं हैं और वो तन्हाई का शिकार है लेकिन जब वो किसी दूसरे शख्स को अपने महबूब से बात करते हुए देखता है तो उसे अपने महबूब की याद का आ जाना एक फितरी बात है इसलिए शायर को अपने महबूब के जुदा हो जाने पर रोना आ रहा है इस शेर के पहले मिसरे में हंसना और दूसरे मिसरे में लफ्ज़ रोना इस्तेमाल हुआ है जो एक दूसरे की जिद है इसलिए शेर में सनत तजाद है तीसरा शेर हमसे न बोलो हमसे न बोलो तुम इसे क्या कहते हैं भला इंसाफ कीजिए पूछते हैं आप ही से हम शायर या आशिक अपने महबूब से मुखातिब होकर कहता है कि अब तुम ही इंसाफ की बात कहो कि, कि तुम जो हमसे बात नहीं करते हो इसे क्या कहते हैं क्या यही मोहब्बत होती है हम जानते हैं कि हमारी शायरी की रवायत में महबूब इशा इश इजहार इश्क़ नहीं करता इजहार इश्क सिर्फ़ आशिक ही करता है इस शेर में शायर इंसाफ़ की बात पूछकर महबूब को इजहार मोहब्बत के लिए आमादा करता है महबूब शायर या आशिक से बातचीत नहीं करता है लेकिन आशिक यह चाहता है कि उसका महबूब उस पर नज़र इल्तिफात करे सो वो महबूब से पूछता है कि अब तुम ही इंसाफ की बात बताओ तुम हमसे बात चीत नहीं करते इसका मतलब क्या हुआ इसे क्या कहते हैं यानी शायर कहना चाहता है कि जो तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो क्या इसे ही मोहब्बत कहते हैं जाहिर सी बात है कि बात न करने को मोहब्बत नहीं कहते चौथा शेर बेजार जान से जो न होते तो मांगते शाहिद शिकायतों पे तेरी मुद्दई से हम शायर या आशिक कहता है कि अय मेरे महबूब मैं तो ख़ुद अपनी जान से बेजार हूँ वरना रकीब ने जो मेरी शिकायतें तुमसे की हैं और जिसकी वजह से तुम मेरे क़त्ल के दर पे हो इसके लिए मैं गवाह ज़रूर मांगता इस शेर में मुद्दई रकीब है रकीब महबूब से आशिक की शिकायत करता है जिसकी वजह से महबूब आशिक के कर कत्ल का दरपय हो गया है आशिक कहता है कि रकीब ने उसकी जो भी शिकायतें की हैं वो सब झूठी हैं यानी मुद्दई का इल्ज़ाम झूठा है लेकिन मैं तो अपनी जान से खुद बेजार हूँ और चाहता हूँ कि मेरा कत्ल कर दे लेकिन अगर मैं अपनी जान से बेजार न होता तो इस नाकरदा इल्ज़ाम की सज़ा से बचने के लिए मुद्दई यानी रकीब से गवाह ज़रूर तलब करता पाँचवा शेर उस में जा मरेंगे मदद अजूम शौक़ आज और ज़ोर करते हैं ना ताकती से हम शायर या आशिक कहता है कि मेरे जज्बे मोहब्बत तू मेरी मदद कर क्योंकि मैंने एक बार फिर अपने कमज़ोर जिस्म के सहारे महबूब की गली में मरने का इरादा कर लिया है हम जानते हैं कि आशिक कमज़ोर और नातमा होता है लेकिन उसके दिल में आज़ुओं और तमन्नाओं की कमी नहीं होती इसीलिए उसने पहले मिसरे में में शौक़ से मदद मांगी है दूसरे मिसरे में आज और ज़ोर करते हैं कहकर शायर इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि वो इससे पहले भी अपने महबूब की गली में जाकर मरने का इरादा कर चुका है जो कामयाब नहीं हुआ क्योंकि या आशिक बहुत कमज़ोर हो गया है और आशिक का ये मनसब नहीं है कि वो अपने घर में बैठे बैठे मर जाए वो तो कूचे महबूब में मरना चाहता है इसीलिए वो वो हजूम शौक़ की मदद के ज़रिए एक बार फिर अपने महबूब की गली में जाने के लिए कोशिश कर रहा है इस शेर के दूसरे मशरे में ज़ोर और नाताकती मतज़ाद अल्फ़ाज़ हैं इसलिए इस शेर में सनत तजाद है गजल का छठा शेर साहब ने इस ग़ुलाम को आज़ाद कर दिया लो बंदगी के छूट गए बंदगी से हम शायर या आशिक अपने महबूब से मुखातिब है वो कहता है कि मैं इस बात पर तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ और तुझसे इजाज़त तलब करता हूँ कि तूने मुझे अपनी ग़ुलामी से आज़ाद कर दिया इस शेर में साहब ग़ुलाम आज़ाद और बंदगी की रियायतें बहुत ख़ूबसूरत हैं और इन्हीं रियायतों से इस शेर में हुस्न पैदा हुआ है शेर के पहले मिसरे में साहब से मुराद आका यानी महबूब और ग़ुलाम से मतलब आशिक है दूसरे मश्रे में लफ्ज़ बंदगी दो बार इस्तेमाल हुआ है पहली बार इस्तेमाल हुए लफ्ज़ बंदगी के माना सलाम आख़िर या खुदा हाफिज और दूसरे बंदगी के माना ग़ुलामी है। आशिक, चूँकि हम वक्त अपने महबूब की खिदमत में लगा रहता है इसीलिए वो इस खिदमत को गुलामी से ताबीर करता है अब महबूब ने उसे अपनी मोहब्बत से दूर कर दिया है इसलिए वो रुखसत होते वक्त उसकी बंदगी यानी ग़ुलामी से आज़ाद होने का शुक्रिया दूसरे मिसरे में अदा कर रहा है मतलब ये हुआ कि अ महबूब मैं तुझे सलाम आखिर करता हूँ और तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तूने मुझे अपनी गुलामी से आज़ाद कर दिया है शेर के दूसरे मिसरे का लहजा तंज़िया है क्योंकि आशिक कभी ये नहीं चाहता कि माशूक उसे अपनी ग़ुलामी से आज़ाद कर दे इस शेर में साहब और ग़ुलाम के इश्हारे बहुत ख़ूबसूरत हैं और इसी मुनासबत से बंदगी और आज़ाद की रियायतें भी खूब हैं चूँकि साहब गुलाम की जिद है और ग़ुलामी और आज़ादगी में भी तज़ाद है इसलिए इस शेर में सनत तज़ाद है मज़ीद ये कि शेर के पहले मिसरे में लफ्ज़ साहब की मुनासबत से दूसरे मिसरे में बंदगी और आज़ाद की मुनासबत से दूसरे मिसरे में बंदगी से छूटना कहा गया है इसलिए शेर में सनत लफ व नशर मुरतब भी है लफ्ज़ साहब मोमिन खां की मंजूर नज़र और शागिरदा फातिमा बेगम का तखल्लुस भी था इस मुनासबत से इस शेर में लत्फ के मजबूत पहलू पैदा हो गए हैं गज़ल का सातवां शेर इन नातवानियों पे भी थे ख़ार राह गैर क्यों कर निकाले जाते ना उसकी गली से हम शारी आशिक कहता है कि अपनी नाताकती और कमज़ोरी के बावजूद मैं गैर की राह का कांटा बना हुआ था इसलिए मुझे कांटे की तरह महबूब की गली से निकाल दिया गया शारी आश कमज़ोर या नातमा है इसलिए वो चल फिर नहीं सकता अब वो महस जो चल फिर नहीं सकता वो दूसरों के लिए परेशानी का बायस नहीं बन सकता लेकिन यहाँ शायर या आशिक कहता है कि इतनी कमज़ोरी के बावजूद मैं गैर की राह का कांटा बना हुआ था यानी कमज़ोरी के बावजूद आशिक महबूब की गली में मौजूद था और गैर की राह का कांटा बना हुआ था राह का कांटा बनने से मुराद बाय से तकलीफ़ होता होना है लफ्ज़ कांटा इस शेर का कलेदी लफ्ज़ है हम जानते हैं कि जब रास्ते में पड़ा हुआ कांटा चुभ जाता है तो उसे निकाल दिया जाता है ताकि तकलीफ़ रफे हो जाए इसीलिए शायर या आशिक शेर के दूसरे मिसरे क्यों कर निकाले जाते ना उसकी गली से हम कहकर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि चूंकि हम महबूब की गली में गैर के रास्ते का कांटा बने हुए थे इसीलिए हमको उसकी गली से कांटे की तरह निकाल दिया गया इस शेर में खार राह होना मुहावरा है और इसी मुनासिबत से निकालना यानि गली से कांटे की तरह निकालना भी बहुत खूब है और इन्हीं मुनासिबतों से शेर में हसन के पहलू पैदा हो गए हैं गज़ल का आठवां शेर क्या गुल खिलेगा देखिए है फसल गुल तो दूर और सूए दश्त भागते हैं कुछ अभी से हम शायर या आशिक कहता है कि अभी बाहर का मौसम माने में वक्त है लेकिन पता नहीं ऐसी क्या अनोखी बात होने वाली है कि हम अभी से सहरा की तरफ भागे चले जाते हैं मौसम बहार में आशिक पर दीवानगी तारी हो जाती है वो गरीबान चा करता है और शहर को छोड़कर सहरा की तरफ भागता है मोमिन खान ने इसी ख्याल की बुनियाद पर अपने मजकूर शेर की बुनियाद रखी है शायरी आश कहता है कि अभी फसल गुल यानी मौसम बहार बहुत दूर है इसके बावजूद मैं अभी से ही सहरा की तरफ क्यों भागा चला जा रहा हूँ क्या कोई अनोखी बात होने वाली है जाहिर सी बात है कि आशिक का बेमौसम सहरा की तरफ जाना एक अनोखी बात है और इसका ये अमल उसकी वहशत की शिद्दत की तरफ इशारा करता है गुल खिलना मुहावरा है जिसके माना कोई नई बात होना या फसाद बरपा होना है गुल खिलने के माना फूल खिलना भी है और फूल सहरा में खिले हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं बहरहाल कुछ भी हो इस मुहावरे के इस्तेमाल से शेर में हस्न पैदा हो गया है नवाशर मुँह देखने से पहले भी किस दिन वो साफ थे बेवजह क्यों गुबार रखें आरसी से हम शायर या आशिक कहता है कि महबूब में आईना देखने के सबब खुद मुनमाई नहीं आई है जो मैं बेवजह आईने से कदूरत रखूं उसका ये हाल तो आईना देखने से पहले भी था महबूब जब आईना देखता है तो अपने हुस्न को देख कर उसमें मज़ीद खुदनुमाई पैदा हो जाती है और उसकी नाजो अदा में इजाफा हो जाता है जिसकी वजह से वह आशिक से सीधे मुँह बात नहीं करता जाहिर सी बात है कि महबूब की इन अदाओं का सबब आईना हुआ लेकिन इस शेर में शायर या आशिक कहता है कि ये तो महबूब की खसलत है वो आईना देखने से पहले भी ऐसा ही था हम बेवजह आईने से क्यों कदूरत रखें इस शेर में मुंह देखना साफ़ गुबार और आईने की रियायतें काबिल दीद हैं इनसे शेर के हुस्न में इजाफ़ा हुआ है दसवा शेर क्या दिल को ले गया कोई बेगाना आशना क्यों अपने जी को लगते हैं कुछ अजनबी से हम शारी आश कहता है कि किसी बेगाना आशना के इश्क का ये असर है कि हम अपने आप को ही बेगाना लगते हैं बेगाना आशना से मुराद वो शख़्स जो गैर से मोहब्बत करता हो यानी महबूब है यहाँ बेगाना और आशना का तजाद भी बहुत खूबसूरत है अब चूँकि आशिक का दिल कोई ऐसा शख्स ले गया है यानी किसी ऐसे शख्स से मोहब्बत हो गई है जो कोई बेगाना है इसकी वजह से वो अपने आप को अजनबी लगने लगा है बेगाना अजनबी को ही कहते हैं अब चूंकि दिल बेगाना आशना ले गया है इसीलिए आशिक भी खुद को बेगाना यानी अजनबी महसूस करने लगा है इस शेर में बेगाना और आशना और आशना और अजनबी जैसे अल्फाज के इस्तेमाल की वजह से शेर में सनत तजाद है बेगाना आशना और अजनबी की रियायतों की वजह से शेर का हुसन दुचंद हो गया है ग्यारहवा शेर ले नाम आरजू का तो दिल को निकाल लें मोमिन न हो जो रब्त रखें बिदती से हम शायर या आशिक कहता है कि अगर मेरे दिल ने आरज़ू का नाम भी ले लिया तो मैं इस दिल को निकाल कर फेंक दूँगा क्योंकि मोमिन कभी बिदती शख्स से रब्त नहीं रखता जैसा कि इस ग़ज़ल के मतले की तशरीह में बयान किया जा चुका है कि मोमिन खां और मौलाना फजल हैर हाँ आबादी के दरमियान मजहबी बहस के दौरान तनाज़ा पैदा हो गया था गज़ल का ये मकता भी इसी तनाजे की निशानी है आरज़ू मौाना फ़जल हैर हाँ आबादी का तखलस था मकते के पहले मशरे में मौलाना फ़जल हैर हाँ आबादी का तखलस आरज़ू दिल की मुनासबत से इस्तेमाल हुआ है और दूसरे मशरे में मोमिन खां का तखलस मोमिन लफ्ज़ बिदती की ज़िद की मुनासबत से इस्तेमाल हुआ है दिल आर्जुओं और तमन्नाओं का गहवारा होता है और मोमिन बिदती की ज़िद है ये दोनों मुनासबतें शेर के हुस्न को दुबला करती हैं अब शायर यानी मोमिन कहता है कि अगर मेरे दिल ने आरजू का नाम लिया यानी अल्लाह के सवा गैर अल्लाह का नाम लिया तो मैं उस दिल को निकाल दूँगा क्योंकि मोमिन और बिदती में रबत मुमकिन ही नहीं है अपने तखलस की मुनासिबत से उर्दू के तमाम शायरों ने ऐसे मजामीन बांधे हैं जिनसे मकतों के हसन में ख़ास पहलू पैदा हो गए हैं मोमिन खान उर्दू के उन शायरों में से हैं जिनके मकते एक ख़ास लुफ़ का नमूना है, क्योंकि क्लासिकी की, की जुमला तमाम लफ्जियात मसलन जहद व पारसाई रिंदी व सरशारी और बुतप्रस्ती वगैरह के इश्ति उनके तखलस से मुनासिबत रखते हैं हमने देखा कि मोमिन ख़ान की इस गज़ल में उनकी शायरी की जुमला सिफ़ात यानी उनका इश्क मजाजी उनकी रंगीन मिजाजी मजमून आफ़रीनी और उनकी मजहबियत सब कुछ मौजूद है इसी तरह उनकी दीगर गजलियात में भी जा बजा आपको यही तमाम खूबियाँ मिल जाएंगी अब इजाज़त दें अगली नशस्त में किसी और शायर की गज़ल के साथ मुलाकात होगी शुक्रिया